टू कॉम लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो बिज़नेस प्रोसेस सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ये एक्टिविटीज़ होती है जो कि बिज़नेस से रिलेटेड होती है, और उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैनर में जब परफॉर्म करते हैं तो उसे बिज़नेस प्रोसेस कहते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसमें हम लोग बिज़नेस के प्रोसेस को मैनेज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को प्राइम फोकस में रखते हुए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हमारा बिज़नेस प्रोसेस होना चाहिए। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग अपने बिज़नेस प्रोसेस को हर स्टेज में इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मेन एम होता है रेवेन्यू इंक्रीज करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि हम लोग एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं बिज़नेस के प्रोसेस का, और उसको एनालाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं कि हमारे करंट एनवायरनमेंट और करंट प्रोसेस में जो खामी है उसके हिसाब से वो मॉडल बना है कि नहीं, और मेजर करते हैं उसको एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, और इसको फिर उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और अच्छा बनाते हैं और ऑटोमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसको और ज़्यादा ऑटोमेटाइज किया जाता है। बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को और के बिज़नेस प्रोसेस को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाता है, यानी ये हमारी मदद करता है कि हम अपना रिसोर्सेज का वेस्टफुलनेस रिड्यूस कर पाएँ, हमारे टाइम को सेव कर पाएँ। इसमें कुछ कुछ की फैक्टर्स होता है इम्प्लीमेंटेशन में, बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहले जान लेते हैं कि बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है। तो ये सिंगल प्रोसेस के लिए भी प्रोसेस मैनेजमेंट किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के भी प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, या फिर कंपनी लेवल पे सारे प्रोसेसेस को मैनेज किया जा सकता है। मेथड क्या होता है? सिक्स सिग्मा और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये मेनली क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स होता है जिसकी मदद से हम लोग बिज़नेस के प्रोसेस की क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। गोल्स होता है हमारा बिज़नेस प्रोसेस का कि हम लोग को सबसे पहले प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ यानी और अच्छा बनाना है। बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट का कुछ प्रिंसिपल्स होता है। बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का असेट होता है, यानी संपत्ति के जैसे होता है। वो कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके देता है, क्योंकि हम लोग अगर अच्छा बिज़नेस प्रोसेस रखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी वैल्यू एडिशन होगा, जिससे कि कस्टमर को भी अल्टीमेट वैल्यू एडिशन मिलेगा। ये कंसिस्टेंट वैल्यू डिलीवर करता है, मीन्स हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है। बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट को हम लोग मेजर करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, कंट्रोल और एनालाइज करते रहते हैं, उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मदद करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो बिज़नेस के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है एज़ पर न्यू टेक्नोलॉजी और एज़ पर न्यू एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है। अब इसका लाइफ साइकिल होता है, मतलब हम लोगों को अगर बिज़नेस प्रोसेस बनाना है तो हम लोगों को इसको फॉलो इसके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग एनालाइज़ करते हैं अपने करंट एनवायरनमेंट को और करंट प्रोसेस को, देखते हैं कि करंट प्रोसेस में क्या क्या खामी है और करंट एनवायरनमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। उस हिसाब से हम लोग फिर डिज़ाइन करते हैं अपने बिज़नेस प्रोसेस को, जिसमें कि हम लोग सोचते हैं कि क्या पोटेंशियल सॉल्यूशन हमको चाहिए जो कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर दें। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं उस बिज़नेस प्रोसेस को, उसकी ब्लूप्रिंटिंग करते हैं, फाइनल प्रिपरेशन करते हैं, उसको रन करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको बिज़नेस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, फिर ऑप्टिमाइज में हम लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। अब बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट करने का हमारे को क्या बेनिफिट होगा? तो हमारा कोऑर्डिनेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ जाएगा, वर्क को कोऑर्डिनेट कर प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा, टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रादर देन एक जगह होने से, अच्छा है अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक अच्छे सिस्टम आने से। फिर कॉस्ट रिड्यूस होता है, क्योंकि बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव कर देता है हमारे बिज़नेस प्रोसेस को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर लेता है, क्योंकि कस्टमर जो है उनको वैल्यू जाती है, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, हमारे प्रोसेस को एनहांस कर देता है। थैंक यू। If you like this video, please like, share, comment and subscribe to the channel.